बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। अमीर अली मलिक व्लॉग की तरफ से आपको खुश आमदीद। आज हम जा रहे हैं मेयर इश्तियाक अहमद साहब MNA को मिलने, तो उधर जाके फिर उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके व्यूज़ लेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में बातें पूछेंगे, आपको कुछ सीखने को मिलेगा उनसे, तो इंशाल्लाह फिर उधर जाके मुलाकात होती। तो फिर चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर इस वक्त हम मेयर इश्तियाक अहमद साहब MNA साहब के पास हैं, तो आज आपके लिए इनसे कुछ इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातचीत करते हैं, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल सर? ठीक हैं आप? सुनाए खैरियत से? ठीक है मलिक साहब। वीवर मैं आपको बता दूँ इनकी ज़िंदगी के बारे में कि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो ये है कि इनके ताया जान मेयर मोहम्मद आशिक साहब, जो कि पहले वो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर होते थे बड़े MPA लेवल के हलके के, वो थे। उसके बाद इनके वालद साहब मेयर मुश्ताक अहमद अनवर साहब, वो डिप्टी मेयर रहे। उनके बाद मेयर साहब जो हैं वो दो बार MPA की सीट जीत चुके हैं, तीसरी बार इन्होंने MNA और MPA की दोनों सीटें विन की, और उनके साथ साथ ये LWMC के चेयरमैन रहे हैं, लोअर ट्रांसपोर्ट कंपनी के चेयरमैन रहे हैं, पब्लिक अफेयर यूनिट के मेंबर रहे हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बहुत इज्जत से नवाजा है। तो आज इनसे पूछते हैं कि इतने बड़े ओहदे रखने के बावजूद इनकी लाइफस्टाइल जो इतना सादा है, तो पूछते हैं मेरे साथ से कि इनकी लाइफस्टाइल पे कितना इनका जो एक्सपीरियंस है, कितनी ये मेहनत करते हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मलिक साहब आपका। वैसे पहले मैं आपकी तो सही कर दूँ कि ये मेरे ताया जी से नहीं, मेरे दादा जी से ये मामला चल रहे हैं। मेरे दादा जी जो थे वो बिफोर पार्टीशन इसी जगह से काउंसलर थे, जहाँ पे आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। और वो ये भी मैं बता दूँ कि उसके बाद फिर मेरे ताया जी बने, काउंसलर बने, और वो डिस्ट्रिक्ट ज़कात के लाहौर के वो चेयरमैन थे। उसके बाद फिर मेरे वालद साहब बाई प्रोफेशन वो तो वकील थे सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन साथ साथ वो डिप्टी मेयर रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद मैं तो समझता हूँ कि ये माँ बाप की दुआएं हैं जो आज मैं यहाँ पे हूँ, वरना मेरा ख़्याल है कि मेरा मजाज तो ऐसा नहीं था कि मैं सियासत में आता। लेकिन बहरहाल हालात ऐसे हुए कि 2000 में मेरे वालद साहब फौत हो गए। उसके बाद फिर मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हमारी जमात थी उन्होंने मुझे पिक किया, और फिर मुझे मेरी हौसला अफजाई। तो इसी तरह ये हुआ कि फिर पहले मुझे मौका मिला ये टाउन का इलेक्शन लड़ने का, जब वो मुशर्रफ का दौर था 2001 में। लेकिन बहरहाल वहाँ से फिर एक सिलसिला चलता रहा पार्टी के साथ, तो हमने कोशिश कर मतलब अपनी स्ट्रगल करते रहे। फिर पार्टी ने मेयर बनने की, और 2002 में फिर पहले MPA का टिकट दिया। अल्लाह ने मेहरबानी की, कामयाबी हुई। ज़ाहिर है वो अपोजिशन का दौर था, तो हम कोशिश तो करते रहे लोगों को, लेकिन मेरा ख़्याल है कि लोग हमारे इलाके के अच्छे हैं। 2008 में भी पार्टी ने टिकट दी MPA की, फिर अल्लाह ने मेहरबानी की, और फिर 2013 में दोनों टिकट मिली थी जैसे आपने ज़िक्र किया। बात इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे इलाके के लोग ही अच्छे हैं, तो बार बार हमें मौका देते हैं, लेकिन हम भी अपनी कोशिश करते हैं कि अगर कोई आए तो कोशिश करते हैं, हम तो कोशिश कर सकते हैं, काम तो अल्लाह ताला करता है। तो आपकी इधर आपके हलके में राई फैमिली बहुत ज़्यादा है जी, क्या इसमें उनका ज़्यादा किरदार होता है कि लोग आपको ये जब दो टिकटें मिली हैं नून लीग ने आपको दे दी MNA का भी MPA का, क्या वजह थी कि वो आपको उस वक्त हालात क्या थे, किस वजह से आपको दो टिकट मिली? बहरहाल उस वक्त कोई हालात ऐसे बन गए कि वो टिकट जो थी MNA साहब को, मैं तो MPA का शायद उम्मीदवार था, मैंने तो कागज़ आज मंगवाए, लेकिन पार्टी ने कहा कि नहीं आप MNA के भी करवाएं, मैंने MNA के भी करवाए। तो
तो बस उस वक्त फिर वो जो उस वक्त के हमारे साथी थे उनको पार्टी टिकट नहीं देना चाह रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप दोनों पे लड़े। अल्लाह ने मेहरबानी की, दोनों टिकटें दोनों सीटें हमने जीत ली। तो वो बहरहाल, तो बात यह है कि ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मैं समझता हूँ वोट बैंक है। आप जो ठीक है, बरादरी जो है वो अपनी जगह पे एक हकीकत है, अभी पाकिस्तान में तमाम बरादरी हैं, वो सिर्फ राइयों की बात नहीं मैं करता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके बावजूद मेजर जो वोट बैंक है वो पार्टी का, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम पे हमको वोट मिलते हैं, तो हम कोशिश करते रहते हैं। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करने का मौका मिला काफ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहा कि ये जो मैं लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का चेयरमैन भी रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये भी एज़ाज़ हासिल है कि मैं जो मेट्रो हमारी पहली बनी उसका मैं इंचार्ज था, और मुझे शहबाज शरीफ साहब के साथ बहुत काम करने का मौका मिला। मैं समझता हूँ मैं माँ ने एक ही पहले पैदा किया है शहबाज शरीफ, शायद अब दूसरा शायद कभी पैदा हो ऐसा बंदा जिसने इस मुल्क को आगे ले, ख़ास तौर पे पंजाब को आगे लेके गया। तो ये मुझे ये थोड़ी सी हैरानगी होती है, मैं सोचता हूँ कि आप जैसा सादा बंदा, क्योंकि मैं आपको ज़ाती तौर पे बड़े अरसे से हम जानते हैं, तो इतने सादे होके और इतने बड़े बड़े आपको जो उहदे दे दिए वो आप कैसे मैनेज कर लेते? देखिए मैनेज नहीं, बंदा जो शहबाज शरीफ के साथ, हालांकि लोग समझते हैं सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है काम करना, मैं समझता हूँ उनके साथ काम करना सबसे आसान था, क्योंकि एक बंदा पीछे हो ना आपके पीछे के, पता है कि यार ये उनको, मैंने जो महसूस किया कि शायद काबिलियत तो इतनी नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि बंदा मेहनती हो और ईमानदार हो तो वो शहबाज शरीफ के साथ चल सकता है, शहबाज शरीफ उसकी कदर करता है। तो बस यही दो चीज़ें थी जो उन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई, हमने नहीं कभी दिन देखा ना रात देखा ना वो खुद देखते थे, तो हमने जो उन्होंने ड्यूटी लगाई पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश की। पहले 5 साल मैंने शहबाज शरीफ साहब के साथ काम किया, फिर अगला जो 5 साल था जो एज ए MNA भी, तो फिर मैं हमजा शहबाज शरीफ है, उन्होंने वो एक पब्लिक अफेयर यूनिट बनाया था और वो उनके हमारे 3 मेंबर थे पंजाब के, एक मैं था, एक थे सऊद मजीद इधर से कह लें सऊद से, और इधर मनशाला भट्ट साहब, पहले इनिशियली 3 मेंबर थे, उसके बाद फिर उन्होंने ये तादाद हम बढ़ा के 4-5-6 और भी साथी हमारे थे, और वो सारा जो कह लें उनके साथ भी बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, बड़ा अच्छा काम किया, जो भी पार्टी ने ड्यूटी लगाई अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की कि अपने इस्तेदाद के मुताबिक उसका काम। हमारे मुल्क में जो हालात होते हैं कि बंदा एक बार MP हो जाता है तो वो कहते हैं जैसे पकड़ा ही नहीं जाता ना, कि वो उसका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, उसका रहना सहना चेंज हो जाता है, लोगों से मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपके साथ तो मिलना ईजी अप्रोच है, जैसे अपना ही घर होता है, तो आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज ही नहीं किया? इतनी बार सीटें जीते हैं मैंने, MPA पब्लिक अफेयर यूनिट, लॉ ट्रांसपोर्ट कंपनी, LWMC, तो आप फिर वैसे के वैसे ही? तो असल में बात यह है कि मैं जिस जगह से मैं इलेक्ट हुआ हूँ वहाँ कई में रहायशी था जी, और लोगों को ज़ाहिर लोगों के लिए मैं MPA या MNA नहीं था, उनके लिए मैं इश्तियाक ही था जी, क्योंकि मैंने सारी अपनी 30-40 साल उससे पहले ज़िंदगी जो है उन्हीं के दरमियान गुजारी, तो वो तो मुझे अपना कोई मेरा मुझे अपना बेटा समझता है, कोई अपना मुझे दोस्त समझता है, कोई बड़ा भाई समझता है, तो कहना यह है कि फिर हमारा ज़ाहिर है भाई वो डोलन वाला हमारा घर, तो फिर इसलिए वो सारा दिन यानी कि लोगों के साथ मिलना रहता है, तो बहरहाल ये भी अल्लाह का फजल है, शुक्र है, कोशिश की कि देखें ये उहदे जो हैं ये आजमाइश है, मेरा ज़ाती ख्याल ये, और जब अल्लाह ताला आपको देता है तो फिर मेरा ख्याल है हम हिसाब देने के काबिल तो नहीं हैं, लेकिन किसी ना किसी लेवल पे उसने ये भी पूछना है कि मेरा बंदा आपके पास आया था तो तूने आपने क्या किया, यानी कि दो अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए, एक बंदा हर की अल्लाह का फजल है कि आपके पास कोई आए काम, हर एक के पास कोई नहीं जाता, अगर आपके पास कोई आता है और आप उसको जितनी आपकी इस्तेदाद है, सारे सारे काम तो हम कर नहीं सकते, लेकिन जितनी मेरी इस्तेदाद है उसके मुताबिक अगर मैं उसको डील भी कर लूँ ना अच्छी तरह, तो मैं समझता हूँ कि कोशिश यही की कि भाई जो मेरे तक आए अगर मेरी वो हो बस में,
تو میں اس کی مدد کروں. میں نہیں سمجھتا کہ ایم پی اے یا ایم این اے کے بندہ کوئی کامیاب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ کا فضل ہے, شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہر بہت نوازا ہے. لیکن میں جس جگہ پہ پہنچا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہمارے بچے جو ہیں نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ ہو تو میں فلاں کام کروں, میرے پاس اگر کم پیسہ ہے تو شاید میں کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں جس جگہ پہ ہوں, آپ کوئی اگر آپ اس قابل نہیں بھی ہیں نا, آپ اپنی محنت سے ہر کام اچیو کر سکتے ہیں. فرض کیا اگر کوئی انٹیلیجنٹ ہے تو وہ ظاہر ایک گھنٹے میں کام کر لے گا, تو میں اگر دو تین گھنٹے لگا کے وہی کام کروں, مجھ میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ میں کر سکتا ہوں. اگر کوئی بھی بندہ ایک کام کر سکتا ہوں تو میں بھی یہ کر سکتا ہوں. اور میں نے ہمیشہ یہی, مجھے تو خیر اللہ نے بڑا فضل رکھا, موقع بہت ملا. میں سمجھتا ہوں کہ بندہ یہ جب کوئی کام کرتا ہے تو میں نے ہی کرنا ہے, تو پھر کوشش کرے کہ اس کو اچھی طرح اچھا کرے. اور یہ جو ہم کام کرتے رہے ہیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, ہے تو بہت ہمارا کام سیاست کا سب سے مشکل کام ہے, لیکن اگر آپ خوشی سے کریں کہ میں نے ہی کرنا ہے, لوگوں نے میرے پاس ہی آنا ہے, تو میں کوئی آ جائے اور مجھے وہ کہہ لیں ٹینشن ہو جائے, اس سے زیادہ اچھا ہے کہ میں خوش ہو کے یہ کہوں کہ یار بندہ آیا ہے, کام بھی میں نے ہی کرنا ہے, اللہ نے مجھے ہی موقع دیا ہے. تو اگر آپ خوش ہو کے کام کریں گے اور محنت کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کا بھی ہے وعدہ کہ وہ محنت کسی کی ضائع نہیں کرتا, تو اس لیے میری یہی کی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اگر آپ محنت کرنا جانتے ہیں دیانتداری کے ساتھ, تو میں سمجھتا ہوں, مجھے تو ویسے ماں باپ کی دعائیں ہیں, میرے پیچھے کوئی اتنا میں نہ انٹیلیجنٹ تھا نہ ہوں, لیکن ماں باپ کی دعائیں تھیں, اللہ کا شکر ہے اور اللہ نے مہربانی کی. ویور, ایمانداری کے ساتھ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی بھی دے گا اور آپ کی عزت میں بھی اضافہ کرے گا. آج کی باتیں جو ہماری محض ضیاءک احمد صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں, امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی. کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ اس میں اگر کوئی سوال ہو تو اس کا بھی جواب دیں گے, اگر میں صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا. اگلے ولاگ تک ہمیں اجازت دیجیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں, لائک کریں. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ ملک صاحب, بہت